पिछले वीडियो में हमने देखा था कि केंद्रवर्धिनी किस प्रकार निकाले जाए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि केंद्रवर्धिनी के जो अलग अलग प्रकार हैं वो कौन से और किस प्रकार निकाल जा सकते हैं। पहले तो हम देखेंगे कि जो केंद्रवर्धिनी है नॉर्मल किस प्रकार निकालते हैं, केंद्रवर्धिनी कैसे निकालते हैं, ये पिछले वीडियो में ही हमने देखे हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो कृपया वो वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो में हम प्रकार ही देख रहे हैं, तो अभी ये पहला जो प्रकार है, इसके बाद ये क्लोज केंद्रवर्धिनी हम निकाल सकते हैं। एक ही टर्न, एक ही जगह पे इसको हमने टर्न किया है। अभी इसको हम ऊपर टर्न कर रहे हैं, ये लेफ्ट साइड, इसको हम डाउन टर्न करेंगे। बस उसी तरह ये लंब केंद्रवर्धिनी भी आप निकाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर किया है बस वैसे भी आप यहाँ पर नीचे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऊपर भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा ट्विस्ट किया है इसको हमने, जैसे हमने केंद्रवर्धिनी सीखे बस उसी तरह हमने कुछ तीन केंद्रवर्धिनी के स्टेप देखे थे। इसमें हम चार या पांच बार भी केंद्रवर्धिनी के अंदर राउंड ले सकते हैं। अगर यही केंद्रवर्धिनी अगर हम बारीक हाथों से अगर निकालते हैं तो इसमें राउंड्स की जो मात्रा है शायद से और भी बढ़ सकती है। जैसे आपके रंगोली का थिकनेस है बस उसी प्रकार आप ज़्यादा से ज़्यादा भी अंदर राउंड दे सकते हैं। और अगर आपके अगर जायद रंगोली है तो ये कम राउंड्स आएंगे। जितनी बारीक प्रकार के हम रंगोली यहाँ पर डाल पाएंगे बस उतनी अच्छी रंगोली आपकी आएंगी। लेकिन यहाँ पर एक और कुछ नया यहाँ पर सीखेंगे हम, ये जो है आपने को सिर्फ रंगोली स्टॉप करनी है। इसके बारे में हम कुछ और भी वीडियो आगे जाके बनाएंगे, लेकिन ये भी एक केंद्रवर्धिनी की एक में प्रकार कह सकते हैं। बस यहाँ पर आगे जाके से आपको यहाँ पर स्टॉप करनी है और आगे से फिर से नया नया अगर आपको रंगोली डालनी है। तो हमने इस वीडियो में देखा कि रंगोली के जो केंद्रवर्धिनी है उसमें कितने प्रकार यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। बस आपको सिर्फ बेसिक जो प्रैक्टिस हमने बताई है कि आपको बिंदु, शेप के बिंदु या फिर लाइन्स, उसके बाद शेप के लाइन, गोल, ये सभी चीज़ों की आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि गोपद्म किस प्रकार बनाया जा सकता है।